सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की गुरफ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों करते हैं शुरुआत सीधा पहले पुराने पोल से, जहाँ पे सवाल ये था कि आप दोस्तों अपने मोबाइल फोन में कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं। तो आप इसे बोला है 95% ने कि यार आप यूज करते हैं गूगल क्रोम, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बाकी अगर कुछ कुछ वोट्स मिले हैं बाकी ऑप्शंस को। यहाँ पर दोस्तों ऐसे में आज का सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि इंडिया में जो पबजी का बैन लगा है दोस्तों, पबजी मोबाइल का, वो परमानेंट हो सकता है या वापस आएगा पबजी? मतलब दोस्तों आपके मन के विचार क्या है बताना जरूर सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए, नीचे कमेंट करते हुए, और हमेशा हर बार की तरह पूरी ताकत से सीधा निशाना लगा के दबा दीजिए लाइक बटन को। यहां दोस्तों बात करते हैं पहले बिट को लेके, निकल के आता है डेल G715 को लेके। ये दोस्तों लैपटॉप इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है, जहां पे है इंटेल के 10th जनरेशन वाले प्रोसेसर्स, और यहां पर दोस्तों शुरुआती कीमत है वो है 161,990, 1,61,990 रुपए। मतलब कीमत दोस्तों डेफिनेटली काफी ऑन द हायर, लेकिन डेफिनेटली ये एक प्रीमियम लैपटॉप है जो कि आता है डेल की तरफ से। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहां पे हमारे पास में आईफोन 12 के लॉन्च को लेके, और यहां पे दोस्तों डेट निकल के आई है सामने कि 13 अक्टूबर को आईफोन 12 सीरीज का लॉन्च हो सकता है, और जो प्री ऑर्डर्स हैं वो शुरू होने वाले हैं एप्पल की तरफ से शायद 16 अक्टूबर को। तो जितने एग्जैक्टली ज्यादा टाइम खैर बचा नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट करीब 3 हफ्ते की बात है कि क्या ये जो लॉन्च है ये 13 अक्टूबर को होता है या नहीं, और आखिर कितने आईफोन मिलते हैं, क्या कीमत और स्पेक्स के साथ में। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है लिनोवो की तरफ से, और ये दोस्तों यहां पे इंडिया में लॉन्च कर चुके हैं अपना एक ड्यूअल स्क्रीन वाला लैपटॉप जो कि है थिंकबुक प्लस, जहां पे दोस्तों ऊपर की तरफ हमको मिलता है एक इंक डिस्प्ले, मतलब नोट्स वगैरह के लिए या दोस्तों रीडिंग पर्पजेज के लिए, जिसकी कीमत है दोस्तों वो है करीब 1,00,000 रुपए, बिकॉज 10 रुपए मिलेंगे वापस उसमें कुछ आएगा नहीं, मतलब 99,990 रुपए, और ये फिलहाल अवेलेबल हो गया इंडिया में थिंकबुक प्लस। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है गूगल मैप्स की तरफ से, और यहां पे दोस्तों अभी गूगल मैप्स जो है वो आपको COVID-19 के स्टैट्स दिखाएगा। आप आसपास दोस्तों चेक कर सकते हैं कि केसेस जो है वो क्या आ रहे हैं या क्या एवरेज रहा है दोस्तों पिछले कुछ दिनों में। तो ये चीज अभी आप गूगल मैप्स में भी देख पाएंगे, जो कि एक काफी अच्छा ऑप्शन है, जहां पे आपको मतलब सीधा ज्योग्राफिकली एक अपडेट मिल जाएगा COVID-19 केसेस को लेके। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहां पे गार्मिन की तरफ से, और गार्मिन दोस्तों जो है वो कुछ अपनी नई स्मार्ट वॉचेस लेके आ गया है, जहां पे ये GPS स्मार्ट वॉचेस हैं वेन्यू SQ को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे भैया पता नहीं, लेकिन एग्जैक्टली यहां पर दोस्तों कुछ वॉचेज आ गई हैं गार्मिन की तरफ से। गार्मिन की वैसे थोड़ी अलग टाइप की ऑडियंस है, मतलब कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है गार्मिन, तो ये है उसको लेके एक नया अपडेट। यहां पर दोस्तों अगली खबर निकल के आती है सोनी की तरफ से, और सोनी दोस्तों इंडिया में लेके आ गया है अपने एक नए ब्रांड न्यू ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स, जहां पे ये है WF-H800। यहां पर दोस्तों 6 mm का ड्राइवर है, और जो कीमत है इनकी वो है 14,990 रुपए। सोनी के प्रोडक्ट्स में काफी हद तक सब कुछ चीजें ठीक ही होती हैं, एक्सेप्ट मॉडल नंबर्स के भैया याद रखना पड़ता है, मतलब 10 आगे पीछे लगा तो मतलब चीज का मतलब ही चेंज। यहां पर दोस्तों अगली खबर निकल के आती है OnePlus 8T की तरफ से, और ये दोस्तों कंफर्म हो गया है OnePlus 8T के लिए OnePlus की तरफ से ऑफिशियली कि यहां पर दोस्तों ये जो फोन है ये आने वाला है 65 watts की वॉप चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ में, और यहां पर दोस्तों ये जो फोन है लेके आएगा अपने साथ में 4500 mAh की बैटरी को, जो कि 39 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगी इसी 65 watts चार्जिंग टेक्नोलॉजी की मदद से। तो यार ये काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन होगा, मतलब OnePlus 8 Pro से भी ज्यादा फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी हमको मिल रही है OnePlus 8T में। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहां पे Samsung के Galaxy F41 को लेके, इसकी दोस्तों डेट सामने निकल के आ गई है जो कि है 8 अक्टूबर की। ये फोन दोस्तों होगा लॉन्च Flipkart पे। मैं खैर आपके लिए आज इसका एक एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक लेके आ ही गया था, मतलब आपके लिए ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोस बहुत सारी आती रहती हैं, जहां पे मैंने आपको दिखाया इस फोन के एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक को, शेयर की कुछ स्पेसिफिकेशन, इनफैक्ट जो फोन है जो मतलब ये नहीं मतलब यही रखा था सुबह कुछ घंटे पहले, वो आप में से किसी एक व्यूअर को मिलने वाला है। तो अगर आपने गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया तो जाके जल्दी से कर लीजिए। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहां पे पबजी मोबाइल के बैन को लेके, और यार हम दोस्तों सोच रहे थे कि पबजी मोबाइल का बैन हट सकता है, जियो कुछ कर लेगा, कुछ डील हो जाएगी और मतलब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट्स के हिसाब से जो मिनिस्ट्री है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की, उनका ये कहना है कि शायद ऐसा नहीं होगा। बोलते हैं अभी रुको, जरा सबर करो, इतनी जल्दी पबजी दोस्तों शायद वापस ना आए, शायद ये जो बैन है लगता है कि भैया मतलब अगर रिवर्स नहीं किया गया तो फिर तो परमानेंट ही बैन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इनका ये मानना है कि सिर्फ टेंसेंट को निकाल देने से जो है वो बैन हट जाएगा, ऐसा नहीं है।
पता नहीं आगे क्या होगा। वैसे इनको सब चीज़ों को पढ़ते हुए तो लगता यही है कि शायद पबजी मोबाइल का जो बैन है वो इंडिया में परमानेंटली लग चुका है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है सैमसंग के गैलेक्सी S20 FE को लेके। ये दोस्तों लॉन्च कर दिया है सैमसंग ने, जहाँ पे काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर्स हैं। और ऐसे में दोस्तों ये एक मैं कहूँगा कि थोड़ा सा बजट फ्लैगशिप है सैमसंग की तरफ से। और इनफैक्ट उसमें फ़ोन अभी इंडिया में लगता है कि जल्दी आने वाला है। आपको मिलेगा इसका एक फर्स्ट लुक कल शाम को। ओके कल मतलब हाँ शाम को ही, कल शाम को दोस्तों आपको मिलेगा इसका एक वीडियो। काफ़ी सारे इसमें अलग अलग कलर्स हैं और मतलब काफी इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशंस हैं। बाकी अगर देखते हैं कि ये फोन जब इंडिया में आता है तो आखिर किस कीमत पे लॉन्च होता है। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है शाओमी की तरफ से, और शाओमी ने टीज किया है रेडमी ब्रांड के कुछ नए ऑडियो प्रोडक्ट्स को, और ये दोस्तों जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। अब एग्जैक्टली ये क्या है, बिकॉज देख के दोस्तों लग रहा है कि ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हैं एयरपॉड्स की स्टाइल में। बस देखना ये है कि किस कीमत पे क्या स्पेक्स को ये लेके आते हैं। यहाँ पे दोस्तों लास्ट अपडेट निकल के आता है रियलमी के प्रोजेक्ट एस को लेके। यहाँ पे दोस्तों टीज किया है रियलमी के माधव शेठ ने इसी अपकमिंग एक किसी नई चीज को लेके, जहां पर दोस्तों इनका इंटरनल जो नाम है उसका वो है प्रोजेक्ट एस। अब ये क्या हो सकता है, क्या आप गेस कर सकते हैं, मतलब धुलाइए थोड़ा दिमाग के घोड़े, बिकॉज देख के ऐसा कुछ समझ में आ नहीं रहा है। आपकी तरफ से क्या फीडबैक है कि रियलमी क्या कुछ नया कर रहा है प्रोजेक्ट एस के नाम से, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोविड सालों सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।